हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है। काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि इस बार उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पीएचडी का कार्यक्रम कब से शुरू हो गया है, यानी कि एंट्रेंस कब से हो रहा है। तो फिलहाल देख सकते हैं क्रेट यानी कि कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2022 के फॉर्म आ गए हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है entrance.uou.ac.in पे जाकर आप इसको भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो इस बार इनकी जो फीस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बार जो इनकी फॉर्म भरने की फीस है यहाँ पर जो है 1000 कर दी गई है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है इस बार। उसके अलावा 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। अगर आप उसके अलावा 45 साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले लाइन को कि प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम जो है 50% अंक प्राप्त करने वाले, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति पृथक रूप से निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 अगर आपके परसेंटेज आएंगे तो आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 88 पेज का ये इनका जो प्रोस्पेक्टस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वर्तमान में विश्वविद्यालय 14 विधा शाखाओं में 47 विभागों के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम चला रहा है, यानी कि जो पीएचडी है आप देख सकते हैं इन जो है शाखाओं में कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर से लेकर मैं एक बार आपको बता देता हूँ, कृषि विकास अनुसंधान, कंप्यूटर साइंस में, स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान पुस्तकालय, प्रबंधन, शिक्षा क्षेत्र, मानवीय, सामाजिक विज्ञान, विधि, उसके अलावा यहाँ पर पत्रकारिता, ठीक है, उसके अलावा पर्यटन और इन सब में भी जो है आप यहाँ पर जो है ये चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर नीचे जाते हैं डिटेल में कि पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता, तो यहाँ पर आ सकते हैं पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश जो अभ्यर्थी जिनके पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा व्यावसायिक उपाधि हो, वे यहां पर आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 55% जो है उनके पास जो है अंक होने चाहिए, यानी कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री में साफ साफ देख सकते हैं यहां पर मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और नॉट लेस देन 55% मांगे, यानी कि 55% से जो है नीचे आपके अंक नहीं आने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो है जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें भी आपको 50% लाने हैं, तभी आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जो है कॉल किया जाएगा। उम्मीदवारों के चयन हेतु परीक्षा के लिए 70% तथा साक्षात्कार काउंसलिंग प्रदर्शन के 30% के अंकों को महत्व दिया जाएगा, यानी कि 70% जो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आएंगे, उसके अलावा इंटरव्यू में जो आपके आएंगे 30%, दोनों को मिलाकर जो है आपको यहां पर मेरिट बनाई जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी कितनी सीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतिहास के लिए आप देख सकते हैं कुल 7 सीटें हैं, उसी तरह से समाजशास्त्र के लिए 2, राजनीति 7, सामाजिक कार्य, तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है यहाँ पर उन्होंने डिटेल में दे के रखी हैं कि यहाँ पर किस तरह से रहने। करीब करीब ये 88 पेज की ये सारी डिटेल है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ पर किस तरह से आपको पेमेंट करना है, किस के लिए पंजीकरण शुल्क कितना है, आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी, सारा कुछ यहाँ पर दे के रखा हुआ है। और मैंने ये सारी जो डिटेल है वो मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में पोस्ट कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने शॉर्ट आपको बता दिया कि कब से इसके फॉर्म भरने हैं, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी फ़ीस है, कहाँ कहाँ पर कितनी सीट है। हालांकि एक ऑफिशियल वीडियो हम आगे लेके आएंगे कि किस तरह से पीएचडी का फॉर्म आप भर सकते हैं।